ये यहाँ कब सो गया? मैं इसे अभी जगा देती हूँ और इसके कमरे में भेजती हूँ। अतर! नहीं नहीं, सोने दीजिए। नींद जितनी मासूम होती है उतनी गहरी होती है। सोने दीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं रवीश? आपको कुछ पता चला है क्या? कुछ खास नहीं, सिवाय इसके अगर आप इस कोड को ध्यान से देखें तो बड़ी चालाकी से अटैक यहां से काट दिया गया ताकि इस कोड को बनाने वाले का नाम पता हम ढूंढ ना सकें। लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, इस पर दर्जी का लोगो साफ दिखाई देता है। ये कोट मेरा है और ध्यान से देखने पर ये दोनों दर्जी एक ही। इस दर्जी ने काफी कपड़े सिले हैं, हम सब फौजी वहीं जाते हैं। कातिल ने ये कोट उसी दर्जी से बनवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बस अब एक बार ये पता लग जाए कि ये कोट बनवाया किसने था, उस कातिल तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे। यस, इससे हमें बहुत कुछ पता लग सकता है। जी कप्तान साहब, ये हमारे यहाँ ही बना है। ये देखिए, ये क्रॉस स्टिचेस और धागा हमारा ही है। वैसे ये टैग बिल्कुल फट चुका है, पर इस कोने से पता चलता है कि ये हमारा ही है। ये कोट आपने किसके लिए और कब बनाया था, याद है? मुश्किल है जनाब, क्योंकि 2 महीने के लिए मैं गांव गया हुआ था और उस दरमियान मेरा भाई ये सब संभालता था। आपके भाई से बात कर सकते हैं? मुश्किल है जनाब, मैं गांव से लौटा और मेरा भाई गांव चला गया और वहाँ बातचीत का कोई जरिया भी नहीं है। हमारा गांव पहाड़ों में बसा है, ना कोई कनेक्शन ना कोई नेटवर्क। लेकिन आपके पास कुछ तो रिकॉर्ड होगा ना, मतलब आपके भैया ने कुछ तो लिख कर रखा होगा, अगर आप वो चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। मोहतरमा मिसेस वशिष्ठ मालूम होती है, आपके जैसे ही जहीन दिमाग पाया है इन्होंने। कोशिश करता हूं। मिल गया जनाब, बिल्ली के मोती वाला ट्रेंच कोट। अब तो पक्का श्योर हो गया, यही से बना है। लगभग 2 हफ्ते पहले बना है। और किसने सिलवाया था? रिकॉर्ड के मुताबिक तो रविश वशिष्ठ। आपने ही सिलवाया है जनाब? बहुत खुशी हुई कि तुम यहां आए। वेलकम अभिन, वेलकम। थैंक यू सर। भाई हमें बहुत खुशी होगी तुम हमारे साथ रहोगे, लेकिन तुम गेट से अंदर कैसे आए? और हमारे गार्ड ने हमें फोन पे इन्फॉर्म भी नहीं किया। ऐसा लगता है कोई नया गार्ड था। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरा नाम रविश वशिष्ठ है, तो उसने फौरन गेट खोल दिया और सल्यूट भी किया। लगता है रविश का काफी रौब है यहाँ पर। हाँ भाई, रविश का काफी रौब है। भाई मुद्दत हो गई मुझे तुम्हारे पिताजी से मिले हुए और तुमसे भी। तुम बड़े छोटे से हुआ करते थे। और बताओ हमारे ब्रिगेडियर खन्ना साहब के हालचाल क्या है, कैसी गुजर रही है उनकी रिटायरमेंट की जिंदगी? सर ही इज ग्रेट। आप हम लोगों ने सुना था कि आप लोग काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं।
कर्नल रमाकांत जी के लास्ट राइड पर भी हम लोग नहीं आ सके, आउट ऑफ कंट्री थे, इसलिए आना तो ओवरड्यू ही था और सबसे मिलना भी था। वो तो डैड ने इंसिस्ट किया कि मैं आप लोगों के साथ रुकूं, वरना मैं आपको तकलीफ नहीं देता। अरे भाई, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि कुछ दिन तुम हमारे साथ गुजारोगे। थैंक यू सर। आप लोग बैठिए, मैं चाय का इंतजाम कर देती हूँ। कालिन जी, अबीर कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, इनके रहने का इंतजाम करो। जी पापा। डेरा मास्टर का भाई मुझे नहीं जानता था, इसलिए कोई रवीश वशिष्ठ बनकर आया और उसने ही कोर्ट सिलवाया है। लेकिन कोई आपका नाम क्यों लेगा, वो खुद का नाम क्यों छुपाना चाहता था? टेलर ने कहा कि वो फोन दो हफ्ते पहले से आया था। कुंती की मौत के कुछ दिन पहले, क्या ये हो सकता है कि कुंती की मौत एक अचानक हुआ एक्सीडेंट नहीं, प्रॉपर प्लान किया हुआ मर्डर हो? आप ठीक कह रहे हैं, किसी ने कोर्ट सोच समझकर बनवाया, उसे पता था ये कोर्ट पहनकर उसे क्या करना है। मेरा नाम लेकर उसने खुद को छुपाने की कोशिश की। लेकिन गुट्टी को मारने के लिए कोई ये सब क्यों करेगा, इतनी प्लानिंग, इतना एफर्ट, तब किया क्या था उसने? अबीर कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, इनके रहने का इंतजाम करो। जी पापा। जाओ बेटे। आइए। ये आपका कमरा है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हेजिटेट मत कीजिएगा। हेजिटेशन वो तो मेरी फितरत में ही नहीं। अगर फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी खेल लिए हो तो कितना मिस किया। और तुम्हें क्या लगा, हाँ? तुम्हारे साथ इस घर में रुकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम कितने शातिर हो, लेकिन अभी हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम किस तैयारी में। Don't tease me, baby. हमारा राज सिर्फ हमारा है, और वो जो हमारे राज से वाकिफ है ना, वो तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कि अभी हालात थोड़े उलझे हुए हैं। पता नहीं क्यों उसकी बहन को आजकल जासूस बनने का शौक चढ़ा हुआ है। ढूंढते ढूंढते उसे हमारे राज का एक तिनका भी मिल गया तो हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। तो तुम कुछ कहती क्यों नहीं है बेबी? मैंने कोशिश की लेकिन वो पास ही नहीं आती। बस जो गाड़ियां रुकती नहीं है ना बीबी,
उनका एक्सीडेंट भी हो जाया करता है। पहले तुम अकेले कोशिश कर रही थी ना, अब हम लोग साथ मिलकर कोशिश करेंगे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।